हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आरती स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी फ़िलहाल देखे कपड़े सूख चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और थोड़ा बहुत काम हो गया है। और अभी मैं कर रही हूं नाश्ता बनाने की तैयारी। पापा जी तो स्कूल जा चुके हैं और अब इनका नाश्ता बनाना है, जो कि ये कह रहे हैं कि इनके लिए लाल मिर्च की चटनी बनाओ। आज इनकी छुट्टी है, आज ये स्कूल नहीं गए क्योंकि इन्हें वैक्सीन लगवानी है, तो इस चक्कर में स्कूल नहीं जा पाए। और अभी कह रहे हैं सिलबट्टे पे चटनी बनाओ मेरे लिए, तो मैं इनके लिए चटनी बना देती हूँ। ठीक है, तो अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग हम अभी से कर रहे हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। देखो कपड़े भी सूख चुके हैं। ठीक है, तो जी घर पे मेरे पास एक कचरी भी रखी थी, तो मैं इसको भी डाल देती हूँ मिक्सी के अंदर, वरना वेस्ट हो जाएगी। ये एक ही कचरी आई थी फलियों में, और ये फलियाँ रेनू जी ने भेजी थी तो मैं उससे कह रही हूँ कि एक कचरी का क्या भेजा यार, 3-4 तो भेजती जो जिससे हम चटनी बना पाते। नहीं, एक कचरी है तो मैं इसको भी इसी में डाल देती हूँ, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा जायके में। नहीं, और कल मेरी उंगली में है ना, उंगली कट गई छोटी सी, मतलब चप्पू से हो जाता है ना कई बार ऐसे, तो मैं थोड़ा देख देख के इसको छील रही हूँ। तो कोई मजे वाली बात नहीं है, एक कचरी का मतलब मुंह में स्वाद ही रह जाएगा समझ लो, पता भी नहीं चलेगा। पर फिर भी उनके खेत है ना, तो आराम से मिल जाती हैं। सभी चेक कर लेती हूँ कहीं कड़वा तो नहीं है। तो जी अच्छा है, मैंने अभी देख लिया ये कचरी बहुत ही ज़्यादा कड़वी थी, शुक्र है, नहीं तो पूरी चटनी का टेस्ट ख़राब हो जाता। तो जी चटनी हमारे बन चुकी है, मैं इसको छोंक लगा देती हूँ। ठीक है, जिससे इसका जायका भी बढ़ जाएगा, मुंह में जो स्मेल आएगी ना लहसुन वाली वो भी नहीं आएगी उसके बाद में, तो मैं इसको छोंक मार देती हूँ। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने इनका खाना जो है वो लगा दिया है, ये अभी पूजा कर रहे हैं, इनको 1-2 मिनट लगेगी। मुझे नहीं पता था पूजा कर रहे हैं, तो मैंने लगा दिया, पता ही नहीं चला मुझे कि ये पूजा करने चले गए। और यहाँ देखिए चटनी और दही और रोटी, आज पराठे नहीं लेंगे, इनको ऐसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं जब तक ये आते हैं इनका जो दही के अंदर जीरा है वो मिला देती हूँ। आपको कैसी लग रही है चटनी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको भी लाल मिर्च की चटनी पसंद है। तो जी यहाँ पे ये मेरे लिए छील रहे हैं नारियल। क्या है कि सुबह सुबह एक बार मैं नारियल पी लेती हूँ ना, तो गर्मी में जो पानी की कमी होती है ना, वो उससे मैं थोड़ा सा राहत मिलती है, और मुझे पीना भी अच्छा लगता है सुबह सुबह, क्योंकि इसका थोड़ा टेस्ट है ना वो अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं ये सुबह सुबह ही पीना पसंद करती हूँ। तो ये देखिए इन्होंने निकाल दिया है नारियल का पानी, और अभी ये देखो कितना धारदार चक्कू है, कल इससे लग गया था मेरे, मैं इसको धो रही थी तभी ये चक्कू से थोड़ा सा चीरा लग गया था मेरे हाथ पे। ठीक है, और ये देखिए निकाल दिया इन्होंने पानी। अब मैं पहले ये पानी भगवान जी को भोग लगा के आती हूँ, उसके बाद में ये पानी है वो मैं ले लूँगी। पहले सबसे पहले भगवान जी को भोग लगना चाहिए ना, कोई भी चीज़ खाने पीने से पहले सबसे पहले कान्हा जी को भोग लग जाता है, तो वो चीज़ शुद्ध हो जाती है, और जो उसका टेस्ट होता है ना वो दुगुना हो जाता है मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना है इस बारे में आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो ये देखिए यहाँ मैंने कान्हा जी के पास रख दिया, इधर थोड़ा मैंने लाइट नहीं ऑन करी वैसे। तो जी यहाँ देखिए निकाली जा रही है नारियल की मलाई, नारियल के अंदर से पानी पी लिया तो अब इसके जो मलाई बच जाती है ये भी खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। इनको तो नहीं लगती, ये बोलते हैं ना तो इनको घी में कोई टेस्ट आता, घी भी उल्टी कर देता है, और जो ये मलाई होती है इनको भी ये अच्छी नहीं लगती मतलब इनको। तो ये मलाई भी मैं ही खाने वाली हूँ घर में, और मतलब सारे लोग ऐसे ही हैं, न कोई घी खाता है, न कोई मक्खन खाता है, न कोई मलाई खाता है, सारे के सारे पता नहीं कैसे लोग हैं। मैं तो खूब अच्छे से खाती हूँ ये सब चीज़ें, मुझे पसंद है, कभी से ही पसंद है। तो देखिए इसमें मलाई निकली है भर के, और निकल ही रही है, अच्छा नारियल निकला है अभी तक सब में, है ना जी? बड़ा साइज का होता है ना नारियल, इसमें मलाई भी निकलता है पानी भी निकलता है। अच्छा, और ये यसु देखिए क्या कर रही है, ये उठ चुकी है। यसु क्या कर रहे हो बेटा, और ये चप्पलें क्यों गिरा ली बाजू बाजू में? हम्म,
तो जी जिस काम के लिए छुट्टी ली गई थी वो काम ही नहीं हो पाया। क्या है कि काम भी कर दिया आपका नारियल। थैंक यू। लो जी दे दी मेरे को मलाई, आप भी खाओ ना थोड़ी सी, तो खा लो यार। ठीक है तो है ना, वो काम इनको वैक्सीन लगवाने जाना था, मुझे वैक्सीन लगवानी थी, तो अभी पता चला है जब मैंने पूछा डॉक्टर से तो उन्होंने बोला कि मुझे तो वैक्सीन लगेगी ही नहीं जब तक मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके अलावा जब तक बेबी दूध पिएगा, मतलब जब तक 9 महीने तक समझ लो, वो 9 महीने का 10 महीने का नहीं हो जाएगा तब तक मेरे को सेकेंड डोज नहीं लग सकती। शुक्र है भगवान का कि फर्स्ट डोज मुझे लगी हुई है। और दूसरी बात, इनके भी आज नहीं लगी क्योंकि वो वैक्सीन ही ख़त्म हो गई। कल कैंप लगे थे, 6 जगह कैंप लगे थे, जिसकी वजह से जितनी भी वैक्सीन थी सभी की सभी ख़त्म हो चुकी हैं यहाँ की, महेंद्रगढ़ में जितनी भी थी। अब मंगलवार को वैक्सीन आएंगी, उससे पहले आएंगी नहीं, तो इनकी छुट्टी आज की तो वैक्सीन के नाम से तो ख़त्म। अब जो बाकी काम है वो ये करते हैं। हेलो जी, गुड इवनिंग। मैं आई हूँ छत पे घूमने के लिए। क्या है कि छत पे आके जो शांति मिलती है ना, मतलब खुले में, वैसी शांति तो नीचे तो ऐसा लगता है जैसे घुटन सी होती है, और छत पे आते ही इतना सांस आता है, इतना चैन मिलता है। तो मैं यहाँ थोड़ी देर चक्कर भी निकाल लेती हूँ, और साथ साथ में ठंडी हवा भी मिल जाती है। क्या है कि नीचे अच्छी हवा नहीं मिलती। और आपको एक बात बता दूँ, आज हमारे आने वाला है इन्वर्टर की बैटरी जो ख़राब हो गई थी, बैटरी आएगी। इन्वर्टर तो घर पे ही रखा है, तो अभी लेने के लिए गए यशु के पापा इन्वर्टर। क्या है कि पंचक ख़त्म हो गए ना, तो पंचक ख़त्म होने के बाद ही लाने थे, तो आज बैटरी आ जाएगी। अभी लेने गए हुए हैं, मैं घूम रही हूँ छत पे। आएंगे तो शायद मुझे पहले दिख जाएंगे, आपको दिखाती हूँ शायद दिखे तो। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर चक्कर काट लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हैं जी, क्या हुआ? बैटरी ले, संडे को लेंगे, संडे को। क्यों, अभी क्यों नहीं लेके आए? तो गलत बात है आपकी, गर्मी लगती है यार। मैकेनिक नहीं था, लगाने वाला नहीं था आपको, तो लगाने नहीं आते ना करंट वगैरह। संडे को वो अंकल नहीं आ जाते, अंकल लगा जाते यार। दूसरे को पूछ रहा है, दूसरे। तो जी बैटरी तो आज भी नहीं आई इन्वर्टर की, और आज पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यशु को होती है, नहीं जी? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको होती है, वो रात को उठ के बोलती है मम्मा कूलर चला दो ना, मम्मा पंखा चला दो ना। अब उसको पंखे से हवा करते हैं लेकिन वो उसको लगती नहीं है, मच्छर अलग से काटते हैं और हवा ये करते हैं, मेरे को करने नहीं देते हैं ये हवा कभी भी, रात को दिन में हवा यही करते हैं जब ये मौजूद होते हैं उस जगह पे। अगर जब ये अच्छी है ल्यूमिनस की देख का है, ल्यूमिनस की, हाँ ल्यूमिनस, ल्यूमिनस, हाँ भाई हम मास्टर नहीं है, हम क्या करें। नहीं दूसरे से पूछो, लोग कल बता रहा था फिर 500 रुपये एक्स्ट्रा देकर कंपनी के ले लें। हाँ ये तो है, देखो कंपनी की चीज़ तो कंपनी की होती है, कुछ साल चले तो काम भी आए। नहीं कह रहा कि इसमें शिकायत नहीं आती जल्दी, शिकायत नहीं है, बेची इतनी बेची है तो शिकायत नहीं है। अपने पहले वाली किसकी थी, ओकाया, ओकाया, ओकाया की मज़ा नहीं आया, खराब। वो डंकी नहीं थी, वो पहले वाली थी ना, वो मेरी शादी के टाइम पर लाए थे, तीन साल लेके चलिए, 3.25 साल चलिए, मतलब मेरी शादी के बाद लाए थे, तो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं थी। अब कम से कम चीज़ लाएँ तो ढंकी तो लेके आएँ, चाहे पैसे थोड़े एक्स्ट्रा लग जाएँ। नहीं तो जी कोई नहीं, गर्मी लगती है आज, कल आज रात तो निकल जाएगी, कल और देख लेते हैं, क्योंकि कल शनिवार हो जाएगा, संडे की रात को आप आराम से सोओगे। अच्छा मैकेनिक नहीं मिला तो संडे को, संडे को पकड़ लाएंगे। ठीक है जी, मैं थोड़ी देर और घूम लेती हूँ। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ सर के घर। कौन से सर के घर जा रहे हो? हाँ पास जा रहे हो ना। अच्छा ठीक है, जाओ। यशु को भी लेके जा रहे हो? टाइम लग जाए, रोए मम्मी, मम्मी बोले मम्मी तो नहीं है ना वहाँ। दूसरी मम्मी देखो, अरे दूसरी मम्मी हो तो अलग बात है, एक मिल गई मुश्किल से है। दूसरी मम्मी एक ही, जो बच्चों का ध्यान जो जन्म देती है वही रख सकती है, दूसरा मतलब दूसरी भाई होती हैं, मैं मना नहीं करती, लेकिन हाँ जो माँ होती है जो जन्म देती है उससे बड़ा कोई नहीं होता मेरे हिसाब से। तो
क्योंकि माँ तो माँ होती है ना, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता।